दोस्तों नमस्कार सी टेक टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जो भी भाई मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें आज हम आप लोगों के लिए नए पांच फार्मूले लेकर आए हैं सी के तो आज चलते हैं हम अपनी विंडो पर तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है वो है कोर्रेशन का कोरल का तो हमने कोरल का फार्मूला आपको लगा के बताना है तो सबसे पहले आपने इक्वल कोरल और जो हमने टेबल बनाई है एवरेज टेम्परेचर की उसको आपने सेलेक्ट करना है सारी को कोई भी आप टेबल यहाँ पे बना सकते हैं तो मैं यहाँ अपनी टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद में कोमा उसके बाद में एयर काउंट जो सेल हमने की है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे ये हमारा इसमें इसका कोलरेशन निकल के आ जाएगा वैसे ही आपने टेबल टू के अंदर हमने एडवर्टाइजमेंट कोस्ट और सेल का दिखाया है तो इसमें भी आप निकाल सकते हो कोलरेसन तो आपने इक्वल शुरू कोल कोरल और आपने एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट किया है कोमा फिर उसके बाद में सेल को उसके बाद में ब्रैकेट बंद तो इसमें आपका छप्पन परसेंट निकल के आ गया तो ऐसे आप इसमें कोई भी वैल्यू अपनी चेंज कर सकते हो जैसे आप अपनी कोई वैल्यू चेंज करोगे तो आपका कॉल यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा ये देखिए तो आप अपनी टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू को चेंज करके यहाँ पर देख सकते हो इस फार्मूलो को लगाने के बाद में ऐसे ही हमने टेबल टू के अंदर आपको समझाया है तो यहाँ भी आप कोई भी डिफरेंट वैल्यू डालिए और जैसे आप टाइप करोगे यहाँ डिफरेंट वैल्यू तो उसके बाद में आपका ये छप्पन परसेंट उनसठ परसेंट ऐसे निकल के आपकी वैल्यू निकल के आ जाती ये कोलका था नैक्स्ट फार्मूला हमारा जो इसमें है वो काउंट का फार्मूला है इतनी वैल्यू रखी तो आपने काउंट लगा के और सेलेक्ट करना है सबसे पहले आपने इक्वल शुरू करना है उसके बाद में काउंट ब्रैकेट शुरू और तीनों कॉलम को, को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करना है अगर आप यहाँ टेक्स्ट लिखते हो तो ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा ओनली सिर्फ ये वैल्यू को ही काउंट करके आपको बताएगा जो आपकी टेबल के अंदर वैल्यू रखी है आपने चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो चाहे वो ईयर और मंथ हो वो भी आपको शो हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर भी वैल्यू है तो अगर आप इसमें अलग से किसी भी कॉलम में टेक्स्ट लिखते तो वो शो नहीं होगा तो ये काउंट का फार्मूला था हमारा तो इसमें काउंट के फार्मूले में आपको समझ में आ गया होगा तो अगला नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो काउंट ए का है इसके अंदर क्या करेंगे हम इसमें ये काउंट की में आपके जो वैल्यू है रखी आपने किसी भी कॉलम के अंदर वो भी शो होगी और आपका जो आप टेक्स्ट लिखते हो और टेक्स्ट को भी ये शो करके दिखाएगा उसको भी ये काउंट करेगा तो हमने यहाँ पे तीनों को जैसे सिलेक्ट किया तो काउंट में हमें अब हम इसमें हेलो लिख रहे हैं तो ये हेलो को भी काउंट कर रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट है तो ये काउंट ए का था जिसमें हम टेक्स्ट और वैल्यू दोनों को ही काउंट कर सकते इस फार्मूले के द्वारा तो आप इसमें आप ये लगा के देख सकते हो काउंट ए का और काउंट का दोनों अलग अलग डिफरेंट के फार्मूले हैं हमारे तो इसमें अगर मान लो बीच में कोई भी कॉलम ब्लैंक रहता है तो ये उसको शो नहीं करेगा सिर्फ ये टेक्स्ट को और वैल्यू को ही होगा ये काउंट ब्लैंक है इसमें क्या होगा कि भाई आपका कोई भी आप वैल्यू रखो चाहे टेक्स्ट लिखो बट इसके अंदर ये ब्लैंक कॉलम को ही काउंट करेगा ना कि आपके किसी भी टेक्स्ट या टेक्स्ट uh, या वैल्यू को काउंट करेगा तो जो भी हमारे इसके अंदर फार्मूले uh, में लगाया जाता है तो हमने इसमें लगाया था इक्वल काउंट ब्लैंक और सारे कॉलम को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दिया जो भी हमारे इस कॉलम में ब्लैंक थे कॉलम उनको हमने यहाँ शो किया तो हमारा दो ब्लैंक कॉलम है इसमें रो है वो उसको शो करके बता दिया इसने अब इसमें हम अटेंडेंस सीट भी बना सकते हैं तो ये अटेंडेंस सीट जैसे स्टूडेंट की अटेंडेंस सीट आपने बनानी हो तो उसमें भी हम ये इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट रो फ एक कॉलम के अंदर एक रो में हमने पी आप पी का मतलब परजेंट एब्सेंट और ब्लैंक Osionfish. हमने रो छोड़ दी ये हम इसमें आपको लगा के दिखा सकते हैं कि हम इस फार्मूले से काउंट ब्लैंक से एक अटेंडेंस सीट का भी काम कर सकते हैं तो ये हमारा बहुत अच्छा फार्मूला है भी आप इसमें जैसे कोई भी अटेंडेंस सीट के लिए एक फॉर्मेट तैयार करते हो उसमें आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो तो हमने इसमें आपका जो फार्मूला था काउंट ब्लैंक का फार्मूला था ये तो हमने काउंट ब्लैंक का, का फार्मूला आपको शो करके दिखा दिया है काउंट ब्लैंक में भी आपने वैसे ही अप्लाई करना है जैसे आपने काउंट ए में किया था काउंट ए uh, में और काउंट काउंट में और काउंट ब्लैंक में तीनों अलग अलग फार्मूले हैं ये इसमें सिर्फ आपके खाली जो है ओनली ब्लैंक रो है वही शो होंगी और काउंट में नंबर और काउंट ए में आपका टेक्स्ट भी आपका काउंट हो जाएगा तो ये हमने काउंट ब्लैंक का फार्मूला था हमारा जो हमने एक अटेंडेंस शीट भी बना के आपके शु... बताई है भी हम अटेंडेंस सीट पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट फार्मूला हमारा काउंट इफ का है तो काउंट इफ के अंदर हमने एक टेबल बनाई है जिसमें कुछ आइटम लिखे हैं हमने उनकी कोस्ट भी रखी है और उस डेट भी रखी है तो सबसे पहले हाउ मैनी माउस तो इसमें हमने लिख दिया भाई जो है हमारी इस टेबल के अंदर माउस कितनी बार शो हुआ है तो ये आपने कैसे लिखना है इक्वल शुरू काउंट इफ ब्रैकेट और आपने सारे कॉलम को सिलेक्ट करना है आइटम को उसके बाद में आपने कोमा इन्वर्टेड कोमा माउस और इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट बंद तो जितनी बार भी हमारा माउस इसमें शो हुआ है इस टेबल के अंदर वो यहाँ पे शो हो जाएगा तो हमारा यहाँ तीन बार माउस शो हुआ तो तीन बार शो हो गया इसके बाद हाउ मैनी सी पी यू इसमें हाउ मैनी सी पी यू हैव बीन द अबोट तो इसमें सी पी यू का निकालना आपने तो ये भी इक्वल शुरू काउंटिप ब्रैकेट शुरू सारे पूरे कॉलम को सिलेक्ट रखना है फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा और आपने प्रिंटर को हमने सेट कर दिया ऐसे आप कोई भी यहाँ पे आप प्रिंटर निकालना हो सी यू निकालना हो अब इसमें क्या है कि आपने हज़ार से ऊपर की वैल्यू जो भी आपने कोस्ट में रखी है वो शो हो जाएंगी तो हमने काउंट इफ़ किया एक बार लगा के ब्रैकेट शुरू किया और पूरी कोस्ट के कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया है इसके बाद में हमने कोमा इन और इसके बाद में ग्रेटर देन का निशान इक्वल और हमने यहाँ पे रख दिया आपका बारह सौ और उसके बाद में इन्वेट कोमा को करके बंद इसमें पाँच बार बारह सौ से ज़्यादा ऊपर की राशियाँ हमारी शो हो चुकी हैं तो ऐसे आप कोई भी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सक अब इसमें नीचे है मोनीटर अगर हमने मोनीटर को सर्च करना है तो मोनीटर के लिए हमने क्या करना होगा इक्वल काउंटिव ब्रैकेट शुरू और आपने पूरे आइटम के कॉलम को सिलेक्ट करना है उसके बाद में कोमा और मोनीटर पे क्लिक करना है जहाँ मोनीटर आपने लिखा है और उसके बाद हम ब्रैकेट तो हमारे पूरी इस टेबल के अंदर मोनीटर एक बार आया है तो ये हमने मोनीटर का भी आपको बताया कीबोर्ड कितनी बार चेक किया तो कीबोर्ड भी शो हो जाएगा तो आप यहाँ से जैसे मैंने कीबोर्ड टाइप किया तो कीबोर्ड का भी यहाँ पे शो हो जाएगा भाई हम ना हमारी टेबल में कीबोर्ड कितनी बार शो हुआ लेकिन आपकी स्पेलिंग सही हो गलत स्पेलिंग ये सर्च नहीं करेगा तो ये काउंटिप का फार्मूला था तो आज के फार्मूले में हमने ये आपके कोरल के काउंट के काउंट ए काउंट ब्लैंक और काउंट एफ पांच फार्मूले आपको कराए हैं अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियो देखनी है तो सी के पांच फार्मूले हमारे नेक्स्ट जिसमें दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह उसके बाद में वन टू थ्री फोर फाइव तो ऐसे हमने पाँच पाँच करके फार्मूले आपको सिखाए हैं तो ये हमारा जो फार्मूला थे आज के थे वो सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस के फार्मूले हैं और नेक्स्ट हमारा सी के फार्मूले अब जो ना हमने एंड कर दिया इनका इसके बाद में हम आपको डी के फार्मूले कराएंगे इससे आगे ई के ऐसे हम आपको जेड तक सारे फार्मूले आपके एक्सल के अंदर कराएंगे दोस्तों तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और लोगों तक पहुँचाए ऐसे हम आपको घर बैठे जो है ऐसे ही आपको फार्मूले कराते रहेंगे और अच्छी अच्छी शीट बनवाएंगे ऐसी सीट जो आपको यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेगी सर्च करने से तो हमने पूरा कोर्स आप लोगों को घर बैठे ही कराना है जिसमें DTP भी आएगा डेट डी टी पी पेज मेकर कोल फ़ोटोशॉप आपका आपका टेली हो गया ERP हो गया HTML टी हो गया और ऑटो कैड वगैरह है तो ये सभी कोर्सेज़ हम आपको फुल एंड फाइनल कराएँगे ये नहीं बीच बीच में से करा दी ऑप्शन वाइज पहले ऑप्शन समझ आएँगे उसके बाद में हम टेबल वगैरह जो भी है इसके डिज़ाइन वगैरह जो भी हमने कराना है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए लास्ट तक देगी हमारे चैनल को तभी आप लोगों को समझ में आएगा भी हम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी आप लोगों ने को अगर हमारे चैनल के अंदर कोई समझ नहीं आ रहा हमारे टी में कुछ क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है तो हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आप लोगों के लिए आगे ये प्रॉब्लम ना आने दें तो आज हमने ये सारे फार्मूले बता दिए और अकाउंटिफ में जितने भी फार्मूले हमने लगाए हैं वो हमने साइड में आपको एक टाइप करके दिखा भी दिया कि भाई हमारे जो भी ये फार्मूले हैं ये ये हमने फार्मूले अकाउंटिफ में ये अप्लाई किए थे तो ये सभी टेबल के अंदर हमने ये फार्मूले आपको शो भी करा आज की वीडियो में हमने सारे जो सी के फार्मूले हमारे बचे हुए थे वो हमने क्लियर करा दिए अब हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो डी के फार्मूले की आएगी तो वो हम आपको एक दो दिन के अंदर अपनी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देंगे वो आप लोगों तक पहुँच जाएगी तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और आइकन को दबा के रखें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए तो ऐसी वीडियो हम आप लोगों के हर रोज़ बनाते रहें तो आज की वीडियो में हमने देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम भी आप लोगों की ऐसे ही हेल्प करते रहें